अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं जमशेद इकबाल और आप देख रहे हैं C49J। फ्रेंड्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिजल मोरार देरा दुबई में स्पाइसी कैफ़े के आगे। ये हमारे साथ दोस्त हैं, मेरे एक दोस्त हैं जिनका नाम है अब्दुलरहमान। ये मेरे दोस्त इंडिया से हैं, इंडिया केरला से। तो इनकी जो बेसिक लैंग्वेज है वो तो मलयालम है, हाँ। तो लेकिन अभी मेरे साथ उर्दू में टॉकिंग करेंगे। आज मैं इनवाइटेड हूँ अब्दुलरहमान की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी अब्दुलरहमान ने मुझे इनवाइट किया है क्योंकि जो ये स्पाइसी कैफ़े है, इसका जो ग्रिल चिकन है वो बहुत ही फेमस है। तो मैंने तो बोला था किसी और जगह से खा लेते हैं, कहते नहीं जी, इंसिस्ट किया कि इधर से ही खाना है। तो अभी चलते हैं अब्दुलरहमान और मैं, हम खाना खाने के लिए। तो फिर आपको दिखाते हैं कि चिकन कैसे तैयार हो रहा है, चिकन की क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और क्यों दुनिया इधर आती है, इतनी पागल हुई पड़ी है ये स्पाइसी कैफ़े के लिए। जी फ्रेंड्स, अभी हम आपको दिखाते हैं कि स्पाइसी कैफ़े में चिकन कैसे तैयार हो रहा है, क्या कर रहे हैं, कौन सी जो सीक्रेट्स है जो लोगों को खींच के इधर लाती है। चलिए हम देखते हैं। देखें लोग अपने शॉप से खा रहे हैं, इधर भी टेबल्स लगी हैं, उधर भी लगी हैं, ठीक है। और अभी हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण मित्रा। हाँ, तरुण मित्रा। तो ये तरुण मित्रा भाई हैं, ठीक है। तो ये इनके जो चिकन तैयार करते हैं, चिकन कुक करते हैं, तो इनसे भी थोड़ा सा इंटरव्यू करते हैं कि क्या चीज़ डाली। देख रहे हैं इधर चिकन अभी तैयार हो रहा है, आप ऊपर मसाला देख रहे हैं कितना अच्छा सा कैन की उन्होंने लगाया है। अभी ये देखें कितने कट लगा के, ये जब खाने के बाद तो लगेगा कि बहुत ही टेस्टी। ये देखिए स्टेप बाई स्टेप इसके मराहल हैं, जैसे जैसे वो तैयार होता रहता है तो उसके बाद इसकी जगह चेंज करते रहते हैं। और इसके बाद ये अंदर से थोड़ा सा ये शीशा ओपन करेंगे। ये जो नीचे आप इसलिए देख रहे हैं ना, इसका जो मसाला देख रहे हैं, ये इतना ही टेस्टी लगता है जब आप खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अभी मैं इनसे पूछता हूँ कि इसमें क्या चीज़ डाली है। जी भाई जान, आप थोड़ा सा बताएंगे कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या सीक्रेट है जो इसमें आपने डाली है, लोगों को खींच के इधर ले आती है, जो आप खाने पर मजबूर करते हैं, बार बार लोग इधर आते हैं, थोड़ा सा ज़रा बताइएगा। सॉरी भाई, आप लोग तो सीक्रेट बता नहीं सकते, लेकिन है ये ग्रीन चिल्ली का है और काफ़ी सारे मसाला जो हम ऐड करते हैं, ये पकड़ लें तो हम इसको बता नहीं सकते, सॉरी सीक्रेट बता नहीं सकते। हाँ, तो है टेस्टी, हाँ, तो नेचुरल है, जो भी खाते हैं दोबारा आके खाता है। कॉमेंट्स कस्टमर ही देंगे। इधर चारकोल बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा है, दुबई में इतना मज़ा नहीं है। कोई अच्छा वाले नल चिकन आने इवे चारकोल कुछ दुबई स्पाइसी आईटे चारकोल। ओके, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर, बहुत अच्छा कॉमेंट दिया। कस्टमर है, भाई है हमारा, बहुत मज़ा आते हैं इसे कॉमेंट। जब कस्टमर से आते हैं तो खाना बनाने में और थोड़ा इंटरेस्ट आते हैं, आप लोग प्यार करते रहेगा और अच्छे, इससे भी अच्छे अच्छे डिलीशियस डिश हम बनाते हैं, बनाएंगे जो पक्का बनेंगे। स्पाइसी और देगा और अपडेट और हमारा आ भी आ रहा है, आपको बहुत सारा कुछ मिलेगा, आपको अच्छे अच्छे डिशेज मिलेंगे। थैंक यू। चले, ये थे तारुण भाई। अभी हम अंदर चलते हैं, हम देखते हैं कि अभी चिकन कैसे है, जब खुद खाएंगे तो फिर हम बता सकते हैं। ये देखें ना, अभी ये अब्दुलरहमान भाई खड़े हैं जिन्होंने हमें इनवाइट किया है, ठीक है। और ये अब्दुलरहमान का मुन्ना भी है साथ, और ये कस्टमर इधर भी बैठे हैं। और अभी अस्सलाम वालेकुम भाई जान, ये थोड़ा कहने। अभी स्पाइसी कैफ़े का तो बहुत नाम सुना है हमने, ठीक है, तो इसीलिए हम थोड़ा भी अब्दुलरहमान भाई ने हमें इधर इनवाइट किया है खाने के लिए। तो अभी थोड़ा बताएं आप, क्यों दुनिया इधर इतनी पागल हुई पड़ी है कि स्पाइसी कैफ़े का चिकन खाना है? अच्छा, चले अभी अभी हम देखते हैं, खाते हैं तो खाने के बाद पता चलेगा कि वाकई ही कि जो दुनिया आती है किस वजह से आती है, ठीक है ना। थोड़ा सा बता सकते हैं कि इस चिकन के बारे में, जो ग्रिल चिकन अभी आपने खाया है जी, तो इसके टेस्ट के बारे में जी थोड़ा बताएं आप। माशाल्लाह, यहाँ के शॉप के बारे में सुना तो था कि मतलब यहाँ पे चिकन अच्छा मिलता है, लेकिन पूरा कंफर्म हो गया जब हम लोगों ने यहाँ पे खाया
क्योंकि टेस्ट अच्छा है। आप कौन से कंट्री से हैं? हम इंडिया से हैं। इंडिया से, और इसका टेस्ट भी अच्छा है और यहाँ की अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस भी अच्छी है जी, और काफ़ी अच्छा है, और जितना मांगो उतना मिलता है, और जितना सोचा नहीं था उससे बेहतर ही है। किस जगह से? जी मैं पाकिस्तान से हूँ और पाकिस्तान में कराची से हूँ। अच्छा, तो आपने अभी ये चिकन खाया, तो इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताएंगे? यार इससे पहले तकरीबन 2-3 महीने पहले मैं यहाँ पर आता जाता था, मेरा एक फ्रेंड था तो उससे हम बात करते थे, गपशप लगाते थे, तो तकरीबन देख रहा था इस चीज़ को कि स्पाइसी है, स्पाइसी पर मैं देख रहा था कि स्पाइसी आखिर क्या होता है, तो 3 दफ़ा 4 दफ़ा एक दफ़ा पहले खाया, इसमें थोड़ी मिर्ची ज़्यादा होती है और थोड़ा जो इसके साथ जो इन पूरे और पूरा जो सेट होता है ग्रीन कलर का जो मसाला होता है जी, सब देते हैं जी, वो सेट होते हैं और पूरा ग्रीन मसाला का वो होता है, वो सारे देते हैं। तो फिर उसके बाद हम एक दफ़ा मैं आया, फिर दूसरे फ्रेंड को लाया, फिर तीसरे को लाया, आज मेरा ये चौथा फ्रेंड है, मैं इसको ला रहा हूँ, तो ये भी कार है और इसको भी बड़ा अच्छा लगा जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आप ज़रा बताएंगे अभी आपने क्या ऑर्डर किया है? हम एक वो शवाया भी ऑर्डर किया, एक चारकोल है, चारकोल इधर का स्पेशल आइटम है। अच्छा। वो दोनों स्पाइसी है और नॉर्मल भी, मलयालम मलयालत्तिल इवड़े अडिपोली फुड आण चारकोल, नम्म स्पेशल एप्पोळुम वन्नु कहिक्कुन्न साधनम। ओके जी फ्रेंड्स, मैं अभी आपको मिलवाता हूँ मुहियुद्दीन से। मुहियुद्दीन इधर के सीनियर हैं और लॉन्ग टाइम से इधर काम कर रहे हैं, और ये चाय स्पेशलिस्ट हैं, बर्गर और जो सैंडविचेस जितनी वैरायटी है उनके स्पेशलिस्ट हैं। हमारा नाम मुहियुद्दीन है, हम इधर बर्गर सैंडविच और चिकन रोल चाय सब बनाते हैं। इनका मेन्यू है, मेन्यू मैं भी आपको चेक कराता हूँ स्पाइसी कैफे का। अभी ओपन करेंगे, ये फ्रेश जूस, फ्रेश जूसीज आ गए, जूस की आप देखो स्पेशल भी जूस, हाँ कितनी वैरायटी है। अभी नेक्स्ट पेज करेंगे, फ्रूट सलाद, आइसक्रीम, आइसक्रीम, फ्रूट्स, और भी जूसेस की कितनी वैरायटी आ गई हैं, लस्सी की कितनी वैरायटी हैं। ये आगे जो बर्गर हैं, सैंडविचेस हैं, उनकी कितनी वैरायटी हैं। नेक्स्ट पेज करें जी, कॉम्बो सैंडविच, अभी ये कॉम्बो सैंडविच आ गए हैं, इसमें देखिए अभी ये नेक्स्ट स्पाइसी स्पेशल क्लब ये आ गया। अभी नेक्स्ट करें जी, नेक्स्ट सैंडविच भी है, रैप सैंडविच में रैप सैंडविचेज आ गए हैं, इसकी भी बहुत सारी वैरायटी है। इसमें कोई शक नहीं कि कस्टमर क्यों इधर आते हैं, क्योंकि इनके पास वैरायटी बहुत सारी है और क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हाँ नेक्स्ट, यही ये स्पेशल होता है। नो जी, जो इनका स्पेशल है ना, स्पाइसी डिलीशियस ग्रिल्ड रेसिपीज, ठीक है। ये आप देख रहे हैं चिकन, ये जो भी हम खाने जा रहे हैं, ग्रिल चिकन, हाँ, और फ्राइड चिकन, स्पाइसी स्पेशल चारकोल रेसिपीज आ गई है। और जी खत्म हो गए, और फ्रेंड्स ये हमारा खाना आ चुका है, आप देख रहे हैं ग्रिल चिकन है और ब्रेड है, सैलड है और मायोनीज है, और इसका क्या नाम है, हुमस, हाँ हुमस है जी। फ्रेंड्स अभी ये मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी लग रहा है, अभी खाते हैं तो आपको बताते हैं। चिकन है और जो मेन इनका जो ये मसाला है ना, इसके लिए हाँ जो स्पेशल है, इसके लिए लोग बार बार इंसिस्ट करते हैं इधर आने के लिए, तो इसकी रेसिपी तो हमको नहीं बता सकते, इनका ये सीक्रेट है। और ग्रीन चिली मसाला, हाँ ये ग्रीन चिली मसाला, और ये हुमस है, उसके अंदर जैतून का ऑयल भी डाला है, और ये गार्लिक आ गई है, और ये ब्रेड है, और ये सैलड है। अभी हम खाना स्टार्ट करने लगे हैं, और जिस जिसने खाना खाना है तो प्लीज़ स्पाइसी कैफे पर आ जाएं और हमारे साथ बैठकर खाना खा सकते हैं।
وہ جی ابھی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے لیے اسپیشل ہے ایووکاڈو اور مینگو کا جوس, بہت ہی ٹیسٹی ڈیلیشیس. ایووکاڈو پلس مینگو, یہ سب کریڈٹ جاتا ہے عبد الرحمان کو جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے. ٹھیک ہے چلے بھی ہم کھانا کھا کے باقی ویڈیو بعد میں بناتے ہیں. ابھی عبد الرحمان اور میں ہم دونوں کھانا کھا چکے ہیں. تو عبد الرحمان بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کھانے پر انوائٹ کیا. اور یہ جو گرل چکن ہے اسپائسی کیفے کا, یہ واقعی بہت ہی اسپائسی ہے اور ٹیسٹی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ابھی میں عبد الرحمان کو مائک دیتا ہوں کہ وہ کچھ اپنی لینگویج میں, ملیالم لینگویج میں بھی کچھ بتائیں گے اسپائسی کیفے کے بارے میں, کیونکہ اس میں جو موسٹلی کسٹمرز ہیں وہ انڈیا سے کیرلا اسٹیٹ سے, ان کی لینگویج ملیالم ہے. تو ابھی عبد الرحمان آپ کو بتائیں گے. السلام علیکم, എൻ്റെ പേര് അബ്ദുറഹ്മാൻ, ഇത് ജംഷേദ് ഇക്ബാൽ. അവൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചെയ്യുക, C49J. ടിക്ടോക്കിലുണ്ട്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക് ഓർ വാട്സപ്പ് മേ ബി ഫോളോ അപ്പ് വരും മുഷ്കിൽ. ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾ ഇവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ജംഷേദ് ഇക്ബാൽ. ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് കറും. وہ بھی ہندی میں بات ہو گیا. ابھی آپ اپنی لینگویج میں بتائیں کہ جو اسپائسی کیفے بیسیکلی, یہ آنر تو انڈین ہے, ٹھیک ہے, تو آپ بتائیں اس کے بارے میں کہ انڈیا میں بھی شاید ان کی برانچ ہے اور ادھر بھی ہے اور کس کنٹری میں ہے, تھوڑا اپنی لینگویج میں بات کریں. ഇത് ഇവരെ ബ്രാഞ്ച് ഇവിടെ വെസ്റ്റ് ഹോട്ടലിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കുർജുമുറ സൈഡാണ് ഇവരെ സ്പൈസി ലെസി കഫേ. ദേഹ്റാദുബൈ. പിന്നെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഇവർ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ബഹ്റൈനിൽ, ബഹ്റൈനിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഉദർ അബി ഉദർ ബി ഓപ്പൺ ആവുക. എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചിക്കൻ സ്പൈസി കാര്യം ചിക്കൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കഴിക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ജംഷേദ് പറയും. ഓക്കെ, ഇൻഷാല്ലാ, താങ്ക് യു ജി. ഫ്രണ്ട്സ്, یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی اسپائسی کیفے کے بارے میں. میں امید کرتا ہوں یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے کائنڈلی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں, فیس بک, ٹک ٹاک, انسٹاگرام پر فالو کریں. بہت شکریہ, تھینک یو جی.